My Hindi Tech Presence Computer Internet and Android Video Tutorials. हेलो वेलकम, मैं हूं अमरीश सिंसा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई हिंदी टेक। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि अगर आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज्ड हो चुका है, यानी मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड हो चुका है, पूरा यूट्यूब चैनल है, किसी वीडियो में डॉलर का आइकन नहीं आ रहा है, तो किस तरह से आप दोबारा इनेबल कर सकते हैं, यानी री इनेबल कैसे कर सकते हैं, तो इसी के बारे में वीडियो है। तो दोस्तों, उसके पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे बनी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके ईमेल आईडी और यूट्यूब चैनल पे हमारे कंप्यूटर, इंटरनेट और एंड्रॉयड से रिलेटेड टेक वीडियो फ्री में आती रहेंगी। कोई बैलेंस चार्ज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। अगर ये वीडियो आप डेस्कटॉप के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे बनी हुई ये सब्सक्राइब की बटन आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक यहाँ से करें, और ये सब्सक्राइब की बटन इसी यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो के बारे में कोई या सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और शेयर के बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल में गए, और यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जाऊंगा। यूट्यूब चैनल पे गए और लॉगिन हो लिए, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएटर स्टूडियो में गए। उसके बाद में मैं चेक करूंगा, चेक करके बताऊंगा कि मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड कैसे हुआ है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मोनेटाइजेशन ऑप्शन डिसेबल्ड है, और यहाँ पर भी एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होता है जो कि मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, इसको इनेबल कैसे करें, तो इसके बारे में YouTube ने कुछ हेल्प के लिए फीडबैक ऑप्शन दिया है। देखिए, दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे है और एक नीचे है यहाँ पे। तो अगर यहाँ क्लिक करें, यहाँ से अगर फीडबैक और हेल्प नहीं मिल रही आपको, तो नीचे के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं हेल्प पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्योंकि यहाँ से हमारा फीडबैक का पॉपअप ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं हेल्प पे गया और यहाँ पे सेंड फीडबैक। अब ये कह रहा है कि स्क्रीनशॉट, आप उस एरिया को हाईलाइट करें, अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी को जो कि आपके यूट्यूब चैनल के बारे में है, जैसे कि डिसेबल्ड मोनेटाइजेशन ऑप्शन, आपके यूट्यूब चैनल का नाम। तो मैं यहाँ क्लिक करके जो है इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे सिलेक्ट किया और इसे ड्रॉ किया। तो अब देखिए, सबसे पहले ऊपर गए, अपने यूट्यूब चैनल को हाईलाइट कर दिया, और इसके बाद में इस एरिया को हाईलाइट कर दिया। इसके बाद में कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे यूट्यूब चैनल में अभी नहीं लगी है, इसको हाईलाइट कर दिया, और यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन डिसेबल्ड है, तो इसे हाईलाइट करके यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, शॉर्ट लग चुका है, अब इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल सेंड पे क्लिक करने वाला हूँ, और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको पूरा लिखें। जैसे मैं टाइप करता हूँ, My YouTube चैनल, इसे टाइप करते हैं, प्लीज री इनेबल मोनेटाइजेशन
मोनिटाइजेशन ऑफ माय हिंदी टेक। तो इतना टाइप करने के बाद में आप सेंड पे क्लिक करें और फीडबैक चला जाएगा। देखिए थैंक यू फॉर द फीडबैक। अब इसके बाद में मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जब ये मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। तो तब तक के लिए हम वेट करते हैं और 24 घंटे के अंदर में फीडबैक का आंसर आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अब 24 घंटे बाद मैं अपने YouTube चैनल को चेक करता हूं कि हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज्ड हो चुका है या नहीं। तो क्रिएटिव स्टूडियो में आए लॉगिन होकर के और वीडियो मैनेजर में गए, तो वीडियोस के साइड में जो डॉलर का ग्रीन साइन होता है वो होना चाहिए, तभी देखिए ये जाना जाएगा कि हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज्ड हो चुका है। तो अब ये देखिए YouTube ने हमारे वीडियो को मोनेटाइज कर दिया। उस समय ये साइन बिल्कुल गायब था, अब इस समय ग्रीन है। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज्ड हो चुका है। और दूसरा, स्क्रॉल करें इसको, कुछ वीडियो मोनेटाइज्ड अभी नहीं होंगी। दूसरे पेज पे जाते हैं तो वन बाय वन आप मोनेटाइज्ड कर सकते हैं। देखिए स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए ये वीडियो हमारी अभी मोनेटाइज्ड नहीं है। मोनेटाइज्ड का मतलब अगर डीमोनेटाइज्ड है तो आपको वीडियो का कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा, चाहे इस वीडियो के कितने भी पेज व्यू क्यों ना हो। अगर मोनेटाइज्ड है तो आपको रेवेन्यू मिलेगा, ऐड आएंगे और उसका आपको पैसे मिलेगा। तो यहाँ से भी देखिए मोनेटाइज्ड आप कर सकते हैं इंडिविजुअली किसी भी वीडियो को, यहाँ से डीमोनेटाइज्ड भी कर सकते हैं। तो मोनेटाइजेशन एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ये ग्रीन अभी साइन नहीं है, मैं इस पर क्लिक करके ग्रीन कर देता हूँ और सेव चेंज पे क्लिक करके ओके करता हूँ। और फिर वीडियो पे गए, तो वो वीडियो मोनेटाइज्ड हो चुकी है। दूसरा आप चेक कर सकते हैं, चैनल पे जाएं और 10 वीडियो एक साथ में आप मोनेटाइज्ड करना चाहते हैं। एक्चुअली जब भी YouTube चैनल आपके वीडियो को मोनेटाइज्ड करेगा तो सिर्फ 10 वीडियो को मोनेटाइज्ड करता है, उसके बाद में सारी वीडियो को आपको मोनेटाइज करना होता है। मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब देखिए टोटल वीडियो हमारी है 115, इस समय 61 वीडियो मोनेटाइज्ड नहीं है। तो वीडियो मोनेटाइज वीडियो पे क्लिक किया, फिर मोनेटाइज पे क्लिक किया पॉपअप पे, तो हमारी वीडियो 10/8 मोनेटाइज्ड हो जाएंगी। तो आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और 61 वीडियो अभी मोनेटाइज्ड करना बाकी थी, अब 58 वीडियो मोनेटाइज्ड रह गई हैं। दोबारा करके आपको मैं दिखाता हूँ, अब मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब 48 वीडियो ही होंगी। देखिए 53 ही हैं, फिर करते हैं। तो इस तरह से आप इकट्ठे कुछ वीडियो को मोनेटाइज्ड कर सकते हैं, जितना देर रुकेंगे उतनी सारी वीडियो मोनेटाइज्ड हो जाएंगी। अब 44 एडिशनल वीडियोज टू मोनेटाइज। तो इस तरह से आप अपने गूगल एडसेंस में जाएं, तो वहां पे अगर डीमोनेटाइज्ड आपका वीडियो यूट्यूब चैनल है तो वहां पे वीडियो की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, जैसे पेज व्यू टुडे पेज व्यू जैसे 11 है तो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। यस्टरडे कल के देखिए हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिर्फ 3 है, जबकि कम से कम 5300 इस तरह से पेज व्यू और CTR होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज्ड कर सकते हैं और इसके बाद में स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे
मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड था, वहाँ पे अब इनेबल्ड है। देखिए यहाँ पे इनेबल्ड है मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे, और उस समय कॉपीराइट स्ट्राइक कोई भी नहीं थी। तो इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल को री इनेबल्ड कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन री इनेबल्ड कर सकते हैं। बाय एंड टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए। माय हिंदी टेक, थैंक यू।